नमस्कार किसान साथियों, खेती किसानी बुंदेलखंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनार के कटिंग से ग्रो कैसे करें, उसके बारे में उसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो हमने इसमें 3 कटिंग लगाई हुई थी अनार के पौधे से, कटिंग लाए थे, तो आप इसको ओपन करके भी हम दिखा सकते। वैसे करना तो नहीं चाहिए बार बार इसको, लेकिन आपको वीडियो के लिए हम दिखा देते हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं हमने इसको कटिंग लगाई हुई थी। तो इसको अभी लगभग 15-16 दिन हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है पौधा। तो आप देखिए कितने इसमें बड निकले हुए, इतने सारे चारों तरफ से। देखिए आप, जितनी ही उसमें गांठ होगी उतनी ही बड देखिए आप निकल चुके हैं। इसको अभी थोड़े दिन और हम इसको ढक के रखेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत नाजुक हैं, इसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं और बाहर का जो मौसम होता है उसके अभी अनुकूलित नहीं होते हैं। इसमें ये थोड़ी पत्तियां हरी हो जाए, डार्क थोड़ी, तो इसके बाद पॉलीथिन हटाएंगे। आप सब देखिए, हम इसको दो को और दिखा देते हैं। देखिए आप, इसमें तो और ही ज़्यादा आए हुए हैं। देखिए, इसको हमने एक दिन के लिए ओपन करके रख दिया था, तो आप देख सकते हैं इसमें देखिए ये काला काला लग गया ऊपर से, ये कीड़े वगैरह बैठ गए होंगे। तो उस पर देखिए आप, इसको हमने दोबारा से फिर से ढक दिया है, क्योंकि अभी बरसात में कीड़े वगैरह और ज़्यादा होते हैं। इसकी डार्क हरी पत्तियां हो जाएंगी तो इसमें फिर ज़्यादा प्रकोप नहीं रहता है किसी चीज़ का। तो आप देखिए, इसको हम दोबारा से जल्दी से पैक कर देते हैं, जितनी इसको बाहर का मौसम टेम्परेचर और ये लगेगा तो उसमें ख़राबी होती है। देखिए इसमें कितनी अच्छी तरह से बड निकल रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खेती किसानी से जुड़ी हुई संबंधित वीडियो समय समय पर देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पर सिलेक्ट करके, ताकि समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। हमने अभी आम के ग्राफ्टिंग, बी सीड से कैसे ग्रो करें, और डबल रूट ग्राफ्टिंग और छाल ग्राफ्टिंग, इनके बारे में वीडियो डले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, सवाल को हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, और वीडियो भी उसकी बना के आपको डाल देंगे, आपकी कोई सवाल हो तो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।